एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु विविधता और संख्या में अन्य किसी महाद्वीप से कम नहीं है। एशिया के जंगलों, वनों, पहाड़ों और नदियों में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपने अंदर बेहद रोमांचकारी और आकर्षक गुणों से भरे होते हैं। इनमें से कुछ जीवों को दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ जानवर तो इतने असाधारण हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा और कुछ इनमें से विलुप्त होने के कगार पर हैं। क्यों न समय रहते इनके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टार्सियर। टार्सियर जिसे सबसे छोटा प्राणी भी कहा जाता है, एशिया में पाया जाने वाला एक अद्भुत प्राणी है। यह फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। टार्सियर के सिर की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है जबकि उसके शरीर की लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। यह अद्भुत रूप से लंबी उंगलियों वाला होता है जो उसे बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। इनकी आंखें बड़ी होती हैं। टार्सियर की एक आंख उसके दिमाग के बराबर है। वो आंखों की पुतली को घुमा नहीं सकता। अगर उसे अपने आसपास की किसी चीज को देखना है तो उसे अपना पूरा सिर उस तरफ घुमाना पड़ता है। लेकिन टार्सियर की ये डरावनी आंखें ही उसकी खासियत भी हैं, क्योंकि वह इनसे घोर अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देख सकता है। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कीड़े मकोड़े और छोटे परिंदे टार्सियर की नजर से नहीं बच सकते। टार्सियर बांस की झाड़ियों और वनों में रहता है। इन्हें बांस के पत्तों और टहनियों के भीतर रहने वाले भोजन का शिकार करना पसंद होता है। इनका आहार भी उनके पर्यावरण और जगह पर निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं। इनके आहार में छोटी मछलियाँ, कीटों और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इनकी जगहों के नष्ट होने से इनकी संख्या में कमी आ रही है, इसीलिए इनको संरक्षण की जरूरत है। पेंगोलिन। पेंगोलिन का सिर शरीर के मुकाबले छोटा होता है। शरीर सांप के भांति लंबा होता है। इस प्राणी की जीभ भी लंबी होती है, इससे यह शिकार करता है। पेंगोलिन के दांत नहीं होते जिससे भोजन को तोड़ने का काम पेट में ही होता है। यह भोजन के साथ कंकड़ भी निगल लेता है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इसकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन गंध सूंघने की क्षमता अधिक होती है। पेंगोलिन के शरीर पर कठोर सल्क जैसी संरचना बनी होती है। यह कठोर सल्क इसके पूरे शरीर पर होते हैं जिसमें इसकी पूंछ भी शामिल है। पूरी दुनिया में केवल पेंगोलिन ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके कठोर सल्क कैरेटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इस रोचक प्राणी का मुख्य भोजन दीमक और चींटी होता है। यह एक साल में करीब 7 करोड़ चींटियों का शिकार कर लेता है। इसके पैर पर पंजे होते हैं जिनकी मदद से यह पेड़ पर चढ़ जाता है। इन पंजों की मदद से ही यह चींटियों और दीमक को खोदकर निकालता है। पेंगोलिन तैरने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन वे अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताना पसंद करते हैं। पेंगोलिन एक सेकंड से भी कम समय में खुद को अपने एक गेंद के आकार में बदलने में सक्षम होते हैं, जिससे शिकारी के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव बन जाता है। इस प्राणी की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है। शल्क और मीट के लिए इसका शिकार होता है, जिस कारण पेंगोलिन विलुप्त की कगार पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी इसी जानवर की होती है। दुनिया भर के कई देशों ने पेंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सनबियर। सनबियर दुनिया का सबसे छोटा भालू है। इसकी लंबाई 4.5 फीट तक की होती है और वजन केवल 45 किलो होता है। सनबियर की जीभ जरूरत से काफी ज्यादा लंबी होती है। इसकी जीभ 9 इंच तक भी हो सकती है। इनका पसंदीदा खाना छिपकली, छोटी चींटियां, चूहे, कीड़े, दीमक, शहद और फल है। भोजन के दौरान सनबियर कीड़ों और शहद निकालने के लिए अपनी असाधारण लंबी जीभ को 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है। इनके दांत बहुत बड़े होते हैं, विशेष रूप से नुकीले, और काटने की शक्ति उसके शरीर के आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है। सनबियर गर्म स्थानों पर रहते हैं। सनबियर मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका भी शिकार किया जाता है। इनके बच्चों को पकड़कर पिंजरे में पालतू बनाकर रखा जाता है।
यह मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय होते हैं। इन भालुओं को भारी वनों की कटाई और भोजन के लिए अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार से खतरा है। आमतौर पर इंसानों पर ये तब तक हमला नहीं करते जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया नहीं जाता। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन जीवों को बचाने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। और आपको स्क्रीन पर दो नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।